वो मुख से कावड़ लेके है, कावड़ी भोले के भगत वो हमारे सामने खड़े हैं गांव पेका में, और हम इनसे बात करेंगे क्योंकि जो रास्ता था वो बहुत लंबा था, खतरे का था, और ये कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, रास्ते में कोई कठिनाई तो नहीं आई, इनसे बात करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है सर जी आपका? मेरा नाम संजय है। संजय जी, संजय जी आप वहाँ से कब चले थे? अभी बस तो यहाँ जी अड्डुआ से बात करूँ, जो कावड़ियों की आवाज़ उठाई है मैं इसका दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। अब पूछ रही आप वहाँ से कब चले थे और रास्ते में मतलब कैसा कैसा रास्ता था वो बताए? हम वहाँ से 23 तारीख में सुबह 6 बजे वहाँ से गुरमुख से पावड़ी उठाई थी जी, और यहाँ गांव में 25 तारीख को 10 बजे गांव में पेका पहुँच गई। रास्ता कैसा था? रास्ता ऐसा जी, वहाँ से चले थे उत्तरकाशी होके आए थे, उत्तरकाशी में पावड़ी को बाईपास पर चला रखा है, बीच में गए फिर भी, लेकिन वो बाईपास है इतना भयंकर बाईपास है, बहुत चढ़ाई उसकी, उसमें एक्स्ट्रा 3-4 घंटे लगते हैं। तो सरकार ने जो कुछ कर रखा सोच समझ कर रखा है, तो वैसे मामले रास्ते में जो चंबा जमुन सूरी आता है वहाँ की चढ़ाई बहुत खतरनाक है, जो रात को सफर होता है वहाँ का, तो उसमें जगह जगह बारिश भी इतनी हो रही थी, स्टलिंग भी इतनी हो रही थी, यानी कि पहाड़ बहुत ज़्यादा डर थे वहाँ पर। दूसरा ये है संजय जी, हम भी पहले गए हैं हरिद्वार में या गोमुख गए हैं, वहाँ की जो पुलिस थी वो कावड़ियों के साथ बिल्कुल गलत पेश आती थी, मारती थी, पीटती थी, तंग भी करती थी, अब की बार इस तरह का कोई प्रतिबंध नहीं, नहीं ऐसा तो अब की बार नहीं आया था, लेकिन अब पुलिस ने भी बहुत ज्यादा सहयोग दे रखा था वहाँ पर, तो लेकिन एक आज जहाँ जो एक आधा पुलिस वाला गिरा होता है वो कर देता था, नहीं वहाँ पुलिस ने बहुत ही ज्यादा सहयोग दिया। बहुत बढ़िया संजय जी, अपना शुभ नाम सर? विक्रम जी। कितने आदमी थे अपने ग्रुप में? अपना ग्रुप में 18 आदमी थे। 18 आदमी थे, 18 साल से नीचे के कितने? 18 साल से नीचे 10-12 साल बच्चे थे। उनको पहली बार गए होंगे? पहली बार गई है जी गाँव में। अच्छा, गाँव में पहली काम रहे हैं। किसी तरह की कोई दिक्कत? दिक्कत तो जी वो आई मर्जी है, मुझे आपके बाद कोई भी आई है, वो तो परीक्षा बाकी इसलिए कावड़ बहुत अच्छी तरह आई है। अच्छा, कोई थकाने नहीं है, कुछ भी नहीं है बच्चे में, कोई किस तरह की कोई परेशानी नहीं है। आपका नाम सर? विक्रम जी आप तो सत्ते लंबे हो, तो आपने तो कोई जी परेशानी एक या है जी, मेन बात है एक तो जी गाड़ी बड़ी लेकर जाओ जी, आई सर 19 फुट गाड़ी लेकर जाओ जी डबल टायरिंग में, और छोटी गाड़ी में दिक्कत होगा जी, छोटी गाड़ी में साथ में जनरेटर भी होगा जी, इतने बंदे हो गए, बारिश होना परमानेंट चला है जी, ऊपर वाले बंदे हो पन्ना लगाना पड़ेगा, पहाड़ चलाए दो रहे हैं, दिक्कत हो जाती है। वहाँ से यहाँ तक इतना लंबा रास्ता कहते हैं, रास्ते में क्या बोल के कहते हैं एक बार पब्लिक को सुनाएंगे? बोल शंकर भगवान की जय, बोल बम बम बम, बोल बम बम बम। आप देख रहे हैं गांव पेका में जो 7 टीम डाक कावड़ लेने के लिए गई थी वो सभी बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच चुकी हैं, और जो डाक कावड़िए हैं जो कावड़ उठाए हुए हैं वो कावड़ उठा के परिक्रमा कर रहे हैं, उसके बाद रात को यहां जागरण होगा। जय श्री